जय हिंद साथियों। आज़ादी के समय से लेके 1971 के वॉर तक रूस के या फिर यूएसएसआर के द्वारा भारत को क्या क्या मिला और जितना कुछ मिला उसके कारण भारत और रूस की जो दोस्ती है जो वो कितनी गाढ़ी हुई, और उसी के कारण हम देखते हैं कि आज जो रूस ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया है उसने भी अपने नेशनल इंटरेस्ट, पावर और सिक्योरिटी, सॉवरेंटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन पे आक्रमण किया है। हमने देखा भी है कि रूस की जो पॉलिसी है वो इंडिया की डिफेंस या फिर वॉर स्ट्रेटेजी है उससे कुछ अलग है। इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वहाँ पे हम बात करते हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की, लेकिन उसके साथ ही हम क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की बात करते हैं और हम मैसिव रिटेलिएशन की बात करते हैं, जहां एक और इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये कहती है कि हम पहला वार नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुमने वार कर दिया तो फिर मैसिव रिटेलिएशन हमारी तरफ से आएगी और फिर नेस्तनाबूद करके रख देंगे। तो ये तो इंडिया की पॉलिसी है जो कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में है, लेकिन रशिया के साथ ऐसा है कि वो एक फर्स्ट ऑफेंसिव अपनी तरफ से ही स्टार्ट कर देता है। ऐसा हमें जॉर्जिया के रूप में देखने को मिला और यूक्रेन के रूप में भी देखने को मिला। ये जॉर्जिया यूक्रेन दोनों वो कंट्रीज हैं जो पहले 1991 तक यूएसएसआर का ही हिस्सा थे, लेकिन बाद में यूएस इनके ऊपर डोरे डालने लगा, इनको अपने झांसे में लेने का प्रयास करने लगा और इन्हें नाटो में जोड़ने का प्रयास किया यूएस ने, और उसी के जवाब में रशिया ने इनकी धुनाई कर दी अच्छे से, जॉर्जिया पे भी हमला किया और यूक्रेन, इस पे तो हम देख ही रहे हैं कि नाटो को लेके ही ये हमला हुआ था।